नमस्कार, ज्योति चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कुर्ती की सिलाई का बहुत ही आसान तरीका बताने जा रही हूँ। पिछले वीडियो में मैं कुर्ती की कटिंग कैसे की जाती है ये स्टेप बाय स्टेप बताई थी। आज मैं कुर्ती सिलाई कैसे करूँगी ये स्टेप बाय स्टेप आपको बताने जा रही हूँ। आप मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए ताकि कुर्ती के स्टिचिंग की कोई भी स्टेप आप मिस नहीं कर सकें। अगर मेरे वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो कटिंग किए हुए कुर्ती के कैसे मैं स्टिच करूंगी इसकी जानकारी मैं आपको दे दूं। ये मेरी कुर्ती है जिसका मैंने कटिंग कर ली है। इसमें आपको आप देख रहे होंगे कि सारा इसमें निशान लगाया हुआ है, इसी निशान पे मुझे सिलाई करनी है। कुर्ती के दोनों पार्ट हैं, फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट, दोनों पार्ट है। ये बैक पार्ट भी है, फ्रंट पार्ट भी है। निशान लगा हुआ है दोनों पार्ट को एक दूसरे से ज्वाइंट करते हुए। यहाँ से यहाँ तक मैं सिलाई करूँगी, फिर इतना ओपन रखना है। इसमें भी मैं ऐसे करके सिलाई करूँगी, इस तरह से ऐसे अंदर से दाबूंगी इसको। नीचे फोल्ड करना है उसका भी मैं निशान लगा दी हूँ। इतना ही मुझे फोल्ड करना है नीचे भी। ये कुर्ती के स्लीव है जिसका भी कटिंग मैंने कर लिया है। इसमें भी कुर्ती की बांह की लंबाई 6 इंच है और इसका मोहरी भी 6 इंच है। यहाँ तक हमें सिलाई करके इसको दाबना है, दोनों पार्ट को मिला करके यहाँ तक दाबना है हमको बांह का। जैसे ये बांह हुआ, ये यहाँ दाबना है, इसको फोल्ड करना है। ऐसे करके मैं इसे फोल्ड करूँगी, फिर फोल्ड करके इसको ज्वाइंट कर दूँगी और इसको मैं कुर्ती में बैठाऊँगी गोलाई से। दोनों बांह को इसी ढंग से कर देना है। बिल्कुल आसान है, कटी हुई कुर्ती है, सिलना तो बिल्कुल ही आसान है, तुरंत सिलाई हो जाएगा। इसलिए कि सारा निशान लगा हुआ है, केवल निशान में स्टिच बनाना है। इस कुर्ती में मैंने राउंड कॉलर नेक बनाया है। मैं आपको सीधा करके दिखा देती हूँ, वीडियो लंबा हो जाता है इसलिए राउंड कॉलर नेक का अलग से मैंने एक वीडियो बना दिए हैं। आप चाहें तो कुर्ती में राउंड कॉलर नेक कैसे लगा सकती हैं ये सीख सकती हैं इस वीडियो से। देखिए मैंने राउंड कॉलर बनाया है इस तरह से, इसका मैंने अलग से एक वीडियो बना दी हूँ। इस तरह से राउंड कॉलर मैंने बना दिया है। यहाँ ओपन थोड़ा रखी हूँ इसलिए कि कॉलर छोटा हो जाता, गले में अटता नहीं, इसलिए थोड़ा ओपन कर दी हूँ ताकि अच्छा से गले में फिट हो जाए, अट जाए। और इस तरह से राउंड कॉलर मेरा बहुत अच्छा फिट बैठेगा, बहुत ही अच्छा बना है। तो चलिए मैं आपको स्टिच करना बता दूँ। इस तरह से हमें स्टिच कर देना है इसको। मैं इस पार्ट का इधर से मैं स्टिच करूंगी इसको, जैसे इस साइड में सिली हूं, अब इसको इधर से स्टिच करूंगी। दोनों साइड मैंने स्टिच कर दिया है। अब हमको नीचे इतना फोल्ड करना है, निशान लगा हुआ है, इतना फोल्ड करना है। पहले एक फोल्ड में ऐसे उल्टा से ऐसे करके एक फुल दे देती हूँ मशीन से ही।
इस तरह से दोनों पार्ट में मैंने सिलाई कर दिया है, थोड़ा थोड़ा फोल्ड कर दी हूँ। अब इतना फोल्ड मैं तुरपाई इसका करूँगी, तुरपाई इतना हो जाएगा। उसी तरह से इतना जो ओपन मैंने किया है, ये जो निशान लगाई हुई हूँ इतना ओपन करना है, इसको भी दोनों साइड में, इधर भी है और इधर भी है, दोनों साइड में ओपन है इसका। इसको ऐसे सिलना है, ऐसे करके, ऐसे इस तरह से, ऐसे ऐसे करके, ऐसे दाब देते हैं उंगली से ऐसे करके, और फिर इसको निशान वाले से ऐसे इतना इस तरह से, यहाँ तक निशान है, यहाँ तक ऐसे करके, ऐसे करके यहाँ तक ऐसे, इसमें हमको मशीन चला देना है, इसमें ऐसे करके यहाँ तक मशीन चला देना है चारों पार्ट में। इसका ये पार्ट में भी करना है, इसमें भी निशान लगा हुआ है ऐसे करके, और इस साइड में भी दोनों, इस साइड में भी दोनों साइड में करना है, इधर से इसमें ऐसे करके ऐसे यहाँ तक, और फिर इसमें भी ऐसे करके ऐसे यहाँ तक सिलना है। तो चलिए सिल देते हैं मशीन से हम इस तरह से, इस तरह से ऐसे ऐसे करके मशीन चलेगा। इस तरह से मैंने चारों पार्ट में, फ्रंट में और बैक दोनों पार्ट में इस तरह से किनारा सिल दिया है, ऐसे सिल दिए हैं हम दोनों तरफ से, इधर भी, इधर भी हम सिल दिए हैं चारों में। यहाँ पे इतना तुरपाई होगा, यहाँ पे इतना हमको तुरपाई करना है इस तरह से फोल्ड करके, ऐसे करके तुरपाई करना है। इसको मैं कच्चा कर देती हूँ, स्टिच करके ही कच्चा कर देती हूँ, बाद में मैं तुरपाई करूँगी इसको। इसके बाद मुझे स्लीव को तैयार करना है। स्लीव है, ये स्लीव है, बांह, बांह में हमको पहले मुझे बांह में इतना फोल्ड करना है, इसलिए पहले एक फोल्ड ऐसे कर लेते हैं, उसके बाद इतना करते हैं, ऐसे करके एक फोल्ड कर लेते हैं पहले दोनों में, दोनों बांह में, दोनों बांह में एक फोल्ड करके, फिर जितना निशान लगा हुआ है इस तरह से पहले ऐसे इतना हम स्टिच कर देते हैं, उसके बाद जितना निशान लगा हुआ है ऐसे करेंगे। इसमें हमको तुरपाई करना है, इसलिए कच्चा करेंगे, बाद में इसको निकाल करके तुरपाई करेंगे। अभी मैं मशीन से स्टिच कर देती हूँ। इस तरह से कुर्ती को मैंने फोल्ड कर दिया है, कच्चा सिलाई कर दी हूँ, इसमें तुरपाई करूँगी तो ये कच्चा सिलाई को खोल दूंगी। अब मुझे स्लीव के लिए यहाँ से यहाँ ज्वाइंट करना है, स्लीव को यहाँ से यहाँ दोनों में, दोनों में मशीन से ज्वाइंट कर देंगे ऐसे और ऐसे। इस तरह से मैंने ज्वाइंट कर लिया दोनों में, दोनों स्लीव में ज्वाइंट कर लिए हम। अब इसको सीधा कर देते हैं, दोनों बांह को सीधा कर देते हैं। इस तरह से हो गया सीधा, दोनों का लंबाई एक ही है, नाप निशान में लगा दी थी इसका मेजरमेंट से, 6 इंच का इधर मोहरी है, 6 इंच का लंबाई है बांह का। अब इसको हमको कुर्ती में अटैच करना है। ये कुर्ती है मेरा जिसमें मैं अभी स्टिच की हूँ, इसी में हमको ये बांह गोलाई से इसको अटैच करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ही रखेंगे उल्टा,
उल्टा दिशा में ऐसे रहेगा ये आगे से, और इसके अंदर से इसको कुर्ती को दूंगी मैं, इसका स्लीव आगे का पार्ट ये है, ये जो आगे कटा हुआ पार्ट है दिखा देती हूँ मैं, ये कटा हुआ पार्ट है जो आगे रहेगा, और ये जो आगे का भाग है फ्रंट पार्ट है ये कुर्ती का, इसमें ये वाला ये पार्ट इसी से इसी पार्ट से अटैच होगा, तो एक एक पार्ट ये उल्टा रहेगा ये कुर्ती, और इसके अंदर हमको इसके अंदर इसको डाल देना है सीधा से। अब इस सिलाई के सेंटर से इस सिलाई को मिला के ऐसे, इस सिलाई को इससे मिला के ये सारा कुर्ती में ये स्लीव को ऐसे गोल गोल इसमें अटैच कर देना है, राउंड से इसमें सारा अटैच कर देना है ऐसे करके, सेंटर से इसके बांह के सेंटर से कुर्ती के साइड के सेंटर से मिला के दोनों का सिलाई। और ये चीज को ध्यान रखना है, यहां जो हम निशान लगाए हैं सेंटर में, ये निशान यहाँ इस शोल्डर के इस सिलाई के बीच में आए ऐसे, इससे मिले तो मेरा तो मेजरमेंट किया हुआ है दोनों सेंटर मिल जाता है, इसलिए चलिए हम इसको राउंड से गोलाई से इसका सिलाई करते हैं। इस तरह से एक बांह को मैं ज्वाइंट कर दी हूँ, गोलाई में बैठ गया है ऐसे करके, इसको सीधा करके मैं दिखा देती हूँ, इस तरह से बैठ गया है गोलाई में। अब मैं दूसरे बांह को, अब मैं इस बांह को इसको ज्वाइंट कर रही हूँ, इसको भी इसी तरह ज्वाइंट करूंगी, पहले इसको इस बांह के सेंटर से इस कुर्ती का कुर्ती के पार्ट के सेंटर को मिला के ऐसे करके इसको सीधा सीधा पार्ट दोनों मिला करके ऐसे करके इसको हमको पूरा राउंड से सिलाई कर देना है, ऐसे राउंड से इसको सिलाई कर देना है, गोलाई से बैठ जाएगा। तो चलिए सिल देते हैं, इस तरह से दोनों बांह को हम ज्वाइंट कर लिए हैं, सीधा तरफ से आपको दिखा रही हूँ, दोनों बांह को ज्वाइंट कर लिए हैं। तो समीज का कुर्ती का स्टिचिंग मैंने कर दिया है, जिस तरह से मेजरमेंट था उस हिसाब से कुर्ती का स्टिचिंग हो गया। इस तरह से मेरे कुर्ती तैयार हो गए हैं, सिल के मैंने स्टिच करके तैयार कर दिया है, इसमें जो मेजरमेंट मैं ली थी उसी मेजरमेंट से मैं तैयार की हूँ, इसका चेस्ट जितना इंच था उतना ही है, सब नाप ली हूँ मैं, ये हुआ कमर, ये हुआ हिप, नीचे का है ये, तो कुर्ती तैयार हो गया है, स्टिच कर दी हूँ मैं।